Assalamualaikum Raji family, welcome back to the another vlog. Subha Raji family, I hope you are all ठीक होंगे. Alhamdulillah, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आज है 14 अगस्त जो है कल है. आज हम निकले हैं पहाड़ की ड्रोनों के देखने के लिए. तो अभी जो है हमारे साथ आप लोग व्लॉग करने तक लास्ट भी ज्वाइन रहेगा. अभी हमें कुछ भी नहीं पता है कि हम कहाँ पे जाएंगे. बस आप लोग मेरे साथ ब्लॉग के एंड तक लाजमी ज्वाइन रहिएगा. एंड जो जो कराची के रौनकें होंगे आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करेंगे. प्रॉपर व्लॉग स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले हमारे चैनल को जाके लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए. भाईजी फैमिली चलिए अब चलते हैं. कहीं जाने से पहले जो है यहाँ पे आना लाजमी होता है. तो यहाँ से जो है अभी हम होते हुए जा रहे हैं और आप वहाँ का नज़ारा देखें. देखिए कितना ज़्यादा जो है वो ब्यूटीफुल लग रहा है. ये है सिविक सेंटर एंड इन्होंने लगाई हुई है 14 अगस्त की लाइट्स और आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा जो है प्यारी लग रही हैं. ये देखें ये है सखी हसन पुल और इधर देखें बना रहे हैं 14 अगस्त. अभी जो है हम आ गए हैं सोहराबकोट पर. देखिए आप सोहराबकोट पर रश. अभी जो है सब यहाँ पे जा रहे हैं 14 अगस्त सेलिब्रेट करने के लिए और रश आप लोग देख सकते हैं. तो अभी जो है हम आए हैं केएफसी पे एंड अभी जो है कर लिया है आने वालों ने भी हमें ज्वाइन. तो अब हम पहुँच गए हैं कराची टूल टैक्स पे एंड अभी जो है हम करेंगे इसे क्रॉस. दैन जो होगा आप लोग ऑब्वियसली शेयर करूँगी. हमारे से ब्लॉक एंड तक लाजमी ज्वाइन रहिएगा. सो अभी आ गया है भैरिया टाउन कराची एंड भैरिया टाउन हम नहीं जा रहे हैं बिकॉज भैरिया टाउन में जो है आज है डांसिंग फाउंटेन. एंड डांसिंग फाउंटेन ऑब्वियसली हमने बहुत बार देखा हुआ है एंड आप लोगों के साथ भी बहुत बार शेयर किया हुआ है. तो अभी जो है हम जा रहे हैं DHS सिटी. वहाँ पे है आज कॉन्सर्ट एंड वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स आएंगे. तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आगे ब्लॉग में. अगर आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ऑब्वियसली कर लें बिकॉज आगे जाएंगे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा. सो फाइनली वी आर रीच्ड. सो अभी जो है हम DHS सिटी में पहुँच गए हैं मीन्स डिफेंस फेस 9 में पहुंच गए हैं. एंड अब जो है हम सीधा मिलते हैं आप लोगों को कॉन्सर्ट में. तो चलिए चलते हैं. सुबह भाईजी फैमिली अभी जो है हम पहुंच गए हैं DHS सिटी में एंड अभी जो है हमने यहाँ पे अपनी कार पार्क कर दी है एंड ये है यहाँ पे पूरी कार पार्किंग. एंड अभी वहाँ पे हो रहा है कॉन्सर्ट मेन गेट पे जो है हम पूरा पीछे से होकर आ गए अभी मेन गेट पे एंड अभी यहाँ पे हो रहा है कॉन्सर्ट. तो चलते हैं अंदर. मेरे ख्याल से आप लोगों को जो आवाज़ भी आ रही होगी यहाँ पे. अभी जो है हम काफ़ी आगे आ गए और वो रहा वहाँ पे पूरा DHS सिटी का गेट. यहाँ पे पूरी कार पार्किंग है यहाँ पे और काफ़ी लोग जो है अभी आए हुए हैं और काफ़ी लोग अभी आ रहे हैं. हवा जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है एंड यहाँ पे जो हल्की की आवाज़ें आ रही हैं आई थिंक सो कि आप लोगों को भी हल्की हल्की आवाज़ आ रही होगी बैकग्राउंड में. हम एंटर हो गए हैं एंड यहाँ पे कुछ ऐसा व्यू है एंड यहाँ पे कुछ ऐसा व्यू है वो है वहाँ पे मेन गेट. एंड अगर आप लोगों के पास थोड़ा स्लो आई हो तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी. एंड वहाँ पे सारी सीट्स लगाई हैं. अभी जो है हम जाते हैं आगे तो आप लोगों को क्लियर दिखा देते हैं. ये देखें यहाँ पे ऐसे जो है यहाँ पे ऐसी लाइटिंग की हुई है बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है. वैसे ये रही यहाँ पे सीट्स जो कि रखी गई हैं. ये देखें सारी यहाँ पे सीट्स लगी हुई हैं और आप लोगों को अब तो आवाज़ आ ही रही होगी. तो ये अभी हम आ गए हैं स्टॉल की साइड पे. वो है वहाँ पे पूरा हाईवे से कि आप लोगों को दिख रहा होगा वहाँ पे साइड ट्रक जा रहे हैं वो है पूरा हाईवे का वे. तो अभी ये स्टॉल मैं आप लोगों को अंदर जाके एक्सप्लोर करवा देती हूँ. ये यहाँ पे जो सारे जो है ये फूड्स के जो यहाँ पे सारे स्टॉल लगे हुए हैं. तो ये यहाँ पे सारे फूड्स के स्टॉल हैं एंड ये यहाँ पे जो है सारा बैठने का सेटअप किया हुआ है यहाँ पे. और ये सारे आप लोग देख सकते हैं ये सारे स्टॉल्स और ये है इधर स्मोक वाला लिमका जो हम जो है पहले ट्राई कर चुके हैं
इसका टेस्ट जो है बिल्कुल वैसे ही होता है। तो ये यहाँ पे सारा है और ये यहाँ पे सारे मिल्क शेक एंड गोलगप्पे का सेटअप है एंड आगे से पूरा वैसे ही जो है वो वहाँ पे पूरा सेटअप दिया हुआ है। तो अभी जो है हम जा रहे हैं वापस वहाँ पे जहाँ पे अभी हम आए हैं रियल कॉन्सर्ट इंजॉय करने के लिए। अभी जो है ARI पे पूरा लाइव जा रहा है। अभी हम यहाँ पे बैठ गए हैं, यहाँ पे मेरी प्यारी खाला जान मेरे साथ तो आए हैं, आगे जाएंगे फिर बताऊंगे। और ये है यहाँ पे मेरी प्यारी मम्मा। अभी हम आगे जाएंगे एंड जो जो होगा आप लोगों के साथ ऑब्वियसली शेयर करेंगे। अभी काफ़ी कुछ आप लोगों के साथ मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, अभी जो जो लोग आएंगे वो भी आप लोगों को जो है वो दिखाएंगे। तो देखते हैं अभी आज तक से लोग आ रहे हैं और रश बढ़ना स्टार्ट हो रहे हैं। अगर मेरी आवाज़ स्लो आ रही है तो फिर आई एम सॉरी, बिकॉज बहुत ज़्यादा शोर एंड क्राउड जो भी आ रहा है उसकी वजह से आवाज़ नहीं कम आ रही। ये है यहाँ पे पसूड़ी वाली सिंगर जिन्होंने पसूड़ी सॉन्ग गाया जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है। तो अभी इधर आ गई हैं तब इनका सॉन्ग सुनते हैं और आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए। कोई डर से
लीजा, आपको M9 के ऊपर ट्रैक्टर चला के कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है मैं गांव में आ गई हूँ, है ना? आपको गांव गांव टाइप का फील हो रहा है और आप पूरे ट्रैक्टर का लुक देखे लीजा, आप गाने वाने भी सुनती जाती है? हाँ ना, गाने आपने M9 लगाए हुए हॉरन शोरन लगाया हुआ है, सीटें वीटे देखो और सजावट देखो, ये देखिए कितना खूबसूरत बना हुआ है, ये देखिए पूरा ये पकड़ने का, और ये देखिए ये सारी झालने वाल रहे हैं। वाह व्हाट अ ट्रैक्टर, वाह लीजा प्लीज बेब, लीजा फुल एंजॉय कर रही है इस ट्रैक्टर में, ये चला रही है M9 के ऊपर, बस अब स्टार्ट कर अब ये निकलने वाली है। और लीजा खेती बाड़ी भी करनी है आपने, हैं? ये पूरा आपने सारा सिस्टम लगाया हुआ है अपने ट्रैक्टर में, कौन कौन से आप खेत उगाती हैं? कौन सी फसलें हैं आपकी? ये कौन सी फसलें हैं जो बर्बाद करने के लिए नहीं आप निकल गई हैं? मुझे नहीं पता मैडम, मतलब इस सर्दियों में हमें सब्जी खाने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आप जब अगर जिस जमीन पे आपने ट्रैक्टर चलाया तो उस जमीन पे तो कोई खेती बाड़ी नहीं उगने वाली है। नाजरीन आप लोगों की जमीनें बंजर हो जाएंगी जहाँ पे ये ट्रैक्टर चलाएगी, कोई सब्जी फ्रूट नहीं उगने वाला। लीजा आप शर्मिंदा नहीं हो, आप स्टार्ट करें और निकलें, ठीक है? ये मैं आपको ट्रैक्टर दिखा रही हूँ, ये देखिए इसका व्हील लेके, और माशाल्लाह लीजा को देखें, ये लीजा को इस तरह के व्हील वाले ही ट्रैक्टर संभाल सकते थे। कि मैं दूर से दिखा दूँ ना आपको पूरा लुक, ये इस ट्रैक्टर का लुक है जो कि अभी हम हाईवे पर हैं। लीजिए अभी आपको टास्क मिला हुआ है, अब आप उतर के देखिए, आप चढ़ी तो खैर बहुत एफर्ट्स करके थी, अब आपको देखते हैं उतरते हुए। हाथ डालना गिर जाएगी। अच्छा अच्छा। वाओ। सो माय बाइटी फैमिली, हमारा हाईवे का सफ़र होता है यहीं पे एंड आई होप सो कि आप सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। सो माय बाइटी फैमिली, ये था हमारे ब्लॉग का Part 1, Part 2 बहुत जल्दी आप लोग देखेंगे, Part 2 में भी बहुत ज़्यादा इंजॉय आप लोग आई होप सो करेंगे। Part 2 में कराची की रौनक दिखाई थी, Part 1 में मैंने आप लोगों को हाईवे की रौनक दिखाई है। तो अब हम चलते हैं एंड अगर आप लोग को हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिएगा हमारा इंडिपेंडेंस डे का व्लॉग, एंड हमारे चैनल को ऑब्वियसली आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो कर लीजिए। तो Part 2 जो है बहुत जल्दी आएगा, सो वेट एंड वॉच। अल्लाह हाफिज़।